कंगना रनौत की आगामी फिल्म में सिख समाज की छवि धूमिल किए जाने का आरोप लगाते हुए सिख समाज ने दुर्ग कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। दुर्ग में रिलीज न होने की बात उन्होंने कही। इस दौरान बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। हिमाचल की मंडी सीट से एक्ट्रेस भाजपा सांसद कंगना रनौत की आगामी रिलीज होने जा रही फिल्म इमरजेंसी का दुर्ग जिले के सिख समाज के लोगों ने विरोध किया है। आपको बताना चाहेंगे कि सिख समाज इस फिल्म में सिख समाज की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए इसे दुर्ग की टॉकीजों में प्रसारण नहीं करने का आह्वान किया। कंगना रनौत की ये फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लगाई गई इमरजेंसी पर बनाई गई है, जिसमें सिखों को खालिस्तानी बताया गया है। ये फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होनी है। बताना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के बैनर तले शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में समाज के लोगों ने विरोध जताया। साथ ही शासन प्रशासन से मांग की कि अगर दुर्ग में फिल्म लगी तो समाज का आक्रोश ज्यादा नजर आएगा। इस दौरान दुर्ग जिले के सिख समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी और SP जितेंद्र शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। साथ ही सिख समाज के लोगों ने पुरजोर तरीके से कंगना की निर्देशित फिल्म का विरोध किया। इस संबंध में समाज के लोगों ने प्रतिक्रिया दी। आज ये बहुत हमारे लिए दुर्भाग्य का दिन है कि हम लोग पूरे सिख समाज दुर्ग भिलाई को इकट्ठा होकर यहाँ पे आना पड़ गया और कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय को सब ने मिलकर ज्ञापन सौंपा है। ये ट्रेलर में ही दृश्य नज़र आ गए हैं, तभी हम सरकार को और सभी को सचेत कर रहे हैं ताकि ट्रेलर अगर देखने के बाद ये समझ में आ गया कि सिख समाज के लिए बहुत से एक इसमें सीन ऐसे दर्शाए गए हैं जो कि हमारे सिख समाज के लिए बहुत ख़राब हैं और सिख समाज इसमें उनको बहुत आहत पहुँचेगी और पहुँची है। तो उसके लिए हमने पहले से सरकार को ज्ञापन इसलिए सौंप दिया है कि कल को ये रिलीज़ हो जाए ये पिक्चर, और उसके बाद अगर कुछ घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार सिख समाज नहीं होगा। ये आज हम लोग पूरे समाज की तरफ से आए हैं जो कि एक इमरजेंसी पिक्चर जो रिलीज हो रही है उसके विरोध में, क्यों वो सिख समाज को बदनाम करने के लिए सब चीज़ें बनाई गई है, जो कि कंगना रनौत के एक डायरेक्टर है उसके डायरेक्शन में बनी है, जो कि वो शुरू से ही एक चीज़ एक हमारे समाज को बदनाम करने के लिए लगी है। और उसके लिए हम कलेक्टर साहब से और SP साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये पिक्चर यहाँ लगनी नहीं चाहिए, अगर लगेगी तो फिर आप लोग देखिए हम जो कुछ माहौल बिगड़ता है तो सिख समाज जिम्मेदार नहीं है, क्यों हम उसका विरोध करेंगे, कहीं भी लगेगी उसको हम लगने नहीं देंगे। हम लोग यूट्यूब वगैरह में देखे हैं तो उसमें पूरे ही मतलब गलत दिखाया सिख समाज को, जबकि सिख समाज आप लोग सब जानते हो कि कितनी कुर्बानियाँ किए आज़ादी के लिए और आगे के लिए, कोरोना काल में क्या क्या हम लोग मतलब सेवा भावना क्या रहती है वो पूरा समाज जानता है, हर समाज जानता है। और अगर ऐसा ये चीज कर रहे हैं सिख समाज को टारगेट करने के लिए तो बहुत गलत है। हाँ जी हाँ जी, वो बहुत समय आने वो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर जब हमारे वो तो आप लोग भी जानते हो, जब समाज कोई भी समाज है इसमें ऐसा नहीं है कि सिख समाज ही है, ये दूसरे हिंदू समाज के लिए कोई है तो उसके लिए हम खड़े रहेंगे। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।